हाय वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो फाइनली अब तो आप सभी लोगों के 12 बोर्ड एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आप अपने अपने प्रस्पेक्टिव करियर अपॉर्चुनिटी की तलाश कर चुके हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, पता नहीं मैं अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं, एंड एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एक 12th पासड आउट कैंडिडेट के होते हैं। तो यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का पार्ट बनना है और इंडियन आर्म फोर्सेस को एक नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करना है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2023 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें कि मैं बेसिक एस्पेक्ट्स को कवर करने वाली हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन को अपने हिसाब से चेक करने में और साथ ही साथ में आपको कंफर्म करेगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली डियर एस्पिरेंट्स, एमएनएस का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, और अब जिन्होंने इस बार 12th पास किया है, जिन्होंने अभी तक एमएनएस 2022 के लिए अप्लाई नहीं किया है, मैं आपको बता दूं अब आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे फॉर 2022। अब आप डायरेक्टली जिस एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे वो होगा एमएनएस 2023। ठीक है बच्चे, और ये जो एमएनएस का एग्जामिनेशन है ना, ये साल में आपका एक बार कंडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंडियन आर्म फोर्सेस, दैट इज ऑलवेज योर एज लिमिट। जी हाँ, अगर आप एमएनएस 2023 के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए 1st October 1998 से लेकर 30th of September 2006 के बीच में। यदि आप इस क्राइटेरिया में फॉल करती हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी ओपन है। अब मैं अगली फैक्टर की बात करूंगी, इस एग्जाम के लिए सिर्फ महिलाएं, दैट इज अनमैरिड फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, आपको 10+2 पास होना होगा अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि कोई बैक पेपर नहीं वर्क करेगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट आपको क्लियर होना है अपने 12th एग्जामिनेशंस में। और साथ ही साथ में आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी एंड इंग्लिश, एंड एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए हैं आपके। ठीक है, तभी आप एमएनएस के लिए एलिजिबल हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि अपियरिंग स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली दी अपियरिंग स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं हाइट के बारे में बता दूं, यदि आप एक नॉर्मल रीजन से हैं तो 152 सेंटीमीटर्स ऑफ हाइट, एंड इफ यू फ्रॉम हिली और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देन 147 सेंटीमीटर्स ऑफ हाइट इज एक्सेप्टेबल। फॉर एनी मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट कॉल अवर काउंसलर्स ऑन 9795977766 या फिर आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी उसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद।